हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सेल के मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में जानेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि शीट में सम, मीन, मैक्स और एवरेज फार्मूला है और इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डेटा है और यहाँ पे सम का जो ये फंक्शन है, ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से इसका फंक्शन वर्क करता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया जाता है, दिया गया है कि लिखा है कि यहाँ पे यह फंक्शन चयनित सेल या रेंज का योग प्रस्तुत करता है, यह टेक्स्ट वैल्यू और ब्लैंक को इग्नोर करता है। यानी कि ये जो है सो सभी का जोड़ योग अर्थात जोड़ का यानी सम करता है, सभी को जोड़ता है और इसमें जो टेक्स्ट वैल्यू या ब्लैंक सेल रहता है उसको ये इग्नोर कर देता है ये फंक्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा है राइट साइड में और यहाँ पे टोटल, टोटल का मतलब सम, तो टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट है और उसका नंबर जो आया है, उस सभी नंबर का जो सम है यानी टोटल वो यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बताए थे कि फंक्शन कोई ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले ये बराबर का सिंबल देना ज़रूरी है, तो यहाँ पर बराबर का सिंबल दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर सम निकालना है। तो सम यहाँ पर टाइप करना है, जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर सजेस्ट करता है एक्सेल ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सम का जो यहाँ पे रूल दिया गया है उसके हिसाब से फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा निकाल लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लास्ट वाला पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये फार्मूला लगाया है कि यहाँ पर सभी का प्लस होकर के यहाँ पर आ गया है और जैसे ही इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि दिखा रहा है यहाँ पे L5, M5, N5, O5 सभी का यहाँ पे ये करके प्लस करके यहाँ पे दिखा रहा है। और इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे इक्वल टू देना है, फिर इसके बाद सम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करना है जितने को प्लस करना है और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस समय देख सकते हैं यहाँ कॉमा ना लग के फर्स्ट वाला जो सेल है L6 और लास्ट वाला जो सेल है O6 दोनों के बीच में कॉलन है, यानी कि L6 कॉलन फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ये आ गया है। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी प्लस हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, गौर करेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक सेल के बाद कॉमा लगा है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, ये तब आपको ये करने में आसान होता है जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होती है और उसके बाद आप चाहेंगे इसको सम करने के लिए तो ड्रैग करेंगे तो वो फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के बीच में कॉलन आएगा और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सम करने का ये दोनों तरीका है और आप इसमें से आप जो चाहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लस हो गया और नीचे अगर प्लस करना चाहेंगे, सम करना चाहेंगे तो इसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सम हो गया है और इस तरह से आप सम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो मिनिमम में क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू रहता है जितने भी आप देखेंगे उसमें मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके यहाँ पर आपको देंगे और इस तरह से इसका जो यहाँ पर दिया है फार्मूला इस तरह से है। और चलिए यहाँ पे देखते हैं मिनिमम निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे MIN यहाँ पे आ गया, इस पर डबल क्लिक करके फिर यहाँ से क्या करिए ड्रैग कर देंगे। आपको बताए थे कि जितने को सिलेक्ट करना है उसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट वन में जो सभी सब्जेक्ट में नंबर है वो इंग्लिश में सबसे कम नंबर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि शो कर रहा है और सभी को सभी स्टूडेंट का देखना है तो इस पर क्लिक करके होल्ड करना है, ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का जो मिनिमम मार्क है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क है उसका यहाँ पर कम मार्क आ गया। जैसे कि इसमें साइंस में इसका 30 मार्क सबसे कम है। इस तरह से आप जानना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट में मैथ का जो है सो किस स्टूडेंट में सबसे कम मार्क मैथ में आया है, तो उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, उसके बाद यहाँ पे MIN, उसके बाद इसको क्लिक करना है, फिर ड्रैग कर देना है, फिर
फिर ब्रैकेट क्लोज क्लोज कर देना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू 25 है, जो स्टूडेंट 5 है यहाँ पे आ गया है, और सभी पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करके करेंगे तो सबका यहाँ पे निकल गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी सेम है, जिस तरह से उसमें आपको मिनिमम था उसी तरह से मैक्सिमम फाइंड करके देंगे ये फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इक्वल टू लगाना है, फिर यहाँ पे एम ए एक्स, उसके बाद डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर देना है। तो स्टूडेंट वन में ड्रैग के उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो स्टूडेंट वन का जो मैक्सिमम मार्क है वो यहाँ पे शो कर दिया है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्रैग करेंगे वो फर्स्ट कॉलम प्लस लास्ट कॉलम कॉलन, कॉलन के बाद लास्ट सेल आता है, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल। और इसमें मैक्सिमम लगाने के लिए ये फार्मूला लगाएं, और इस तरह से देख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू था वो आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए ऐसा हो गया कि जो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे एडिट कर, जैसे यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गया तो फिर से आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो आ गया। और सभी पे अप्लाई करने के लिए ड्रैग कर देना है, सभी पे अप्लाई हो गया। इसी तरह से आप प्रत्येक सब्जेक्ट का देखेंगे जो किसका मैक्सिमम मार्क आया, किस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क आया, तो उसी तरह से यहाँ पे इक्वल टू, फिर एम ए एक्स मैक्सिमम, फिर यहाँ से जितने भी मार्क है सभी को ड्रैग कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर इंटर प्रेस कर देना है। देख सकते हैं कि मैथ में 70 नंबर यहाँ पे स्टूडेंट 4 का आया, जो 70 मार्क है। और फिर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मैक्स फार्मूला का उपयोग करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एवरेज, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फिर फार्मूला लगाने के लिए मैंने बताया था कि इक्वल टू का सिंबल देना है, उसके बाद एवरेज है तो टाइप करना है एवरेज। जैसे ही टाइप किए यहाँ पे शो करने लगा सेकेंड नंबर पे, इस पर डबल क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से स्टूडेंट वन में सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज है स्टूडेंट वन का जो एवरेज है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कितना एवरेज है सभी मार्क, सभी सब्जेक्ट का मार्क का जो मार्क था सभी सब्जेक्ट का उसका एवरेज दिखा रहा है। फिर इसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में सम, मिन, मैक्स और एवरेज फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है, और किस तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम किसी डेटा पे उसका सम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।